अस्सलाम वालेकुम आई टू फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वैसे तो ये तो संडे की मॉर्निंग है, और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हमारा जो संडे होता है वो कैसा होता है। मोस्टली जो है वो सैटरडे की शाम और संडे का दिन हम लोग जो है ना वो हमेशा कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, डिनर कर लेते हैं या फिर शॉपिंग ही कर लेते हैं, लेकिन घर पे नहीं पाए जाते। लेकिन पिछले क्या हुआ है कि पिछले जुमे को हस्बैंड गए हैं, गांव गए हैं, और समझे कि ये दूसरा संडे है। और जो दिन है ना वो लग रहा है कि पूरे एक महीने का दिन हो रहा है। और जो है सुबह को क्या होता है कि इतनी जल्दी आँख खुल जाती है, हालांकि हमारी जो है ना वो सैटरडे और संडे को आँख को 11-12 बजे जाके खुलती थी क्योंकि रिलैक्स होते थे। लेकिन अब क्या है कि आँख भी जो है ना वो सुबह 7:30 बजे खुली पड़ी होती है, बिकॉज़ रात को जल्दी सो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब मियाँ होते हैं घर पे तो हम लोग चले जाते हैं कहीं ना कहीं, सैटरडे को चले जाते हैं, लेट नाइट वापस आते हैं, फिर लेट जो है वो मॉर्निंग में आँख खुलती है, और फिर आधे दिन का पता नहीं चलता है। अच्छा, सैटरडे को ऐसे होता है, फिर संडे को क्या होता है नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर शाम में जो है वो मियाँ का जो है ना, मियाँ को शुक्र है अल्लाह का कि उनको ये मतलब ये खुद ही से ये होता है कि बच्चों को कहीं घुमा दूँ, संडे है बच्चे बोर ना हो जाए। मेरे लिए उनको होता है कि ये जो है पूरा हफ्ता जो है वो घर के काम करती रहती है, व्लॉग में मसरूफ़ रहती है, इसको कहीं जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतने अच्छे हैं वो। तो लगता है कि जो है ना हम सबकी जो लाइफ है ना, लग रहा है कि स्टॉप ही हो गई है, और बच्चे अलग से सर खा गए, खास तौर पे नबीहा, मम्मा ये तो इतने दिन हो गए अभी तक नहीं आए, पापा क्यों नहीं आए? दिन में ना 6 बार यही क्वेश्चन होता है। मतलब 6 बार का मकसद ये नहीं कि 6 बार, 12 बार भी हो जाता है तो यही चलता रहता है। और बस वो भी बेचारे जो है ना, वो उनके कोई ज़मीनों के ट्रांसफ़र वगैरह हैं, तो आपको पता है कि सरकारी काम ऐसे लटकते हैं ना कि लटकते ही रह जाते हैं। लेकिन फिर खैर, मैंने सैटरडे को क्या किया, शाम को इनको मैंने सोचा कि इनको जो है ना रेस्टोरेंट का मज़ा घर पे ही देते हैं, तो मैंने जो है वो टिक्का बोटी बनाई, और साथ में जो है ना बनाए लच्छे पराठे वाइट आटे से, और फिर साथ में जो है ना वो मैंने इनको जो होता है सैलड वगैरह, और जो उसका खास उसके साथ चटनी रायता, मतलब फुल जो है ना, मैंने सोचा कि बच्चों को जो है ना, पापा नहीं है तो क्या हुआ, मम्मा तो है ना घर पे, तो मैंने सोचा कि इनको फुल जो है ना वो रेस्टोरेंट का मज़ा देते हैं। तो साथ में जो है ना वो फिर लच्छे पराठे बना रही थी मैं शाम में, और साथ में जो है ना वो फिर टिक्का बोटी जो होती है वो बना रही थी। तो वाकई वो बहुत ही मज़े के जो है ना वो सब बना। और ऐसे मैं सोच रही थी कि बच्चों को वैसे भी जो है ना, मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि बच्चों को ना डिफरेंट वे से जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट करके देती रहती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना फिर वो शौक शौक से खा लेते हैं। और वो आपको पता है कि बाहर के खाने इतने अनहेल्दी होते हैं, चलो वीकेंड पे तो कर लिया, लेकिन रोज़ रोज़ जो है ना बाहर के खाने सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। लेकिन हम उसका नेमुल बदल यही कर सकते हैं कि हम बच्चों को जो है ना बाहर का मज़ा घर पे दे सकते हैं खालिस चीज़ों से, और उनको हेल्दी बना के दिया जा सकता है। इस तरह से बच्चे भी खुश और बच्चों की सेहत भी अच्छी होती है। और ये देखें आप लोगों के मुंह में भी जो है ना वो पानी आ रहा होगा, क्या ख्याल है? तो ये बनी भी बहुत मज़े की थी, और ये हरम भी आई हुई है, नेबर में बच्ची होती है, इसने भी ये लच्छा पराठा बहुत शौक से खाया, और ये माशाल्लाह से सैलड खाती है शौक से। तो बच्चों को जो है वो मैंने फिर शाम में, रात में जो है वो लंच हम लोगों ने ये वाला लंच कह रही हूँ डिनर किया, और बस डिनर कर कुर के फिर मैं और बच्चे, मैं और असद गए, हम लोगों ने सुबह का नाश्ता लेके आए, जैम ब्रेड, ऑयल भी ख़त्म हुआ था, और इस तरह से मैं और असद जो है ना जाके सारा सामान लेके आए। अबीहा जो है हरम की मम्मा के साथ पार्लर गई हुई थी, तो मैं और असद जो है ना वो लेने चले गए। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये ना आया है अल्लाह के घर से जो है ना, वो हमारे जाने वाली एक फैमिली गई हुई थी, उम्रे पे गई हुई थी, उनकी पूरी फैमिली खैर रहती है वहाँ पे सऊदीया में, तो माशाल्लाह से उन्होंने इतने अच्छे गिफ्ट किए ना। मोस्टली क्या होता है कि आप कोई उम्रे से आता है ना, तो वो खजूरें और पानी या छोटा सा 1 इंच का जो परफ्यूम होता है ना, जिसको बंदा यूज़ नहीं करता है, वो दे देते। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह से इतनी प्यारी चीज़ें दी है ना, और ये अबीहा को कहती मम्मा ये मैं शो करूँगी, तो अबीहा बाजी जो है ना वो कह को मैंने कहा अच्छा सही है, आप जो है ना वो दिखा दो, तो अबीहा ये दिखा रही थी, और ये बहुत ही प्यारा सा जायनमाज था, बहुत प्यारा जायनमाज था, सिंपल।
मगर ब्यूटीफुल सॉफ्ट सा मतलब ना, और ये जो है वो आबे जमजम था। और अबीहा के दिखाने का ज़रा आप स्टाइल देख लेंगे, मुझे लगता है कि ये जो हैक्स वाला है ना, ये आगे चल के वो किया करेगी। और ये खजूरें हैं, और ये मैंने वीडियो को ना थोड़ी स्पीड लगा दी थी, तो ये माशाल्लाह खजूरें भी अच्छी खासी थी, थोड़ी सी नहीं थी। तो साथ में जो है ना वो ये देखें, ये उन्होंने परफ्यूम दिया है मेरे लिए लग्जरी, बहुत ही इसकी फ्रेगनेंस बहुत प्यारी और ये अंदर से बहुत खूबसूरत, और ये अच्छा खासा बड़ा परफ्यूम है। ये देखें आप, ये देखें, लग रहा है एक पतली कमर वाली जो लेडी होती है ना वो है, ये परफ्यूम की बॉटल ऐसी है। तो ये देखें इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत बहुत ही प्यारी जो है ना वो है। तो ये अबीहा जो है ना वो आपको ऐसे चेक करवा रही है जैसे वाकई आपको फ्रेगनेंस आएगी। तो ये देखें मेरा, अच्छा मेरी आदत खुद की भी ये है कि मेरा, मैं कहती हूँ कि किसी को गिफ्ट बंदा दे ना, अगर दे तो बहुत अच्छा दे। ये इनके पापा के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए मतलब रुस्तम जी के लिए है ये। तो शो क्या नाम था इसका, बीहा ने ऊपर हाथ रखा हुआ है, अचानक से मुझे नाम इसका भूल गया, मतलब इसका नाम भी मैन से ही है कुछ। तो ये भी बहुत अपनी अपनी जगह पे ना, दोनों की फ्रेगनेंस बहुत ही प्यारी थी, ये देखे बहुत प्यारी, और परफ्यूम भी अंदर से जो थे ना। अबीहा ये बता रही है, ये देखें जी ये सऊदी अरेबिया की, ये अरबिक लिखी हुई है, तो शो मैन ओनली उन्होंने लिखा हुआ जी, ये शो मैन ओनली है। मैं तो खुद ट्राई, खैर है शो मैन ओनली को छोड़े, मैं भी ट्राई करूँगी। वैसे मुझे ना, मैं कर लेती होती हूँ इनके परफ्यूम भी, मैं क्या करती हूँ उसको हल्का सा पम्प कर लेती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि लेडीज़ के थोड़े से वो होते हैं, मध्यम से होते हैं, तो आदमी के थोड़े से तेज़ होते हैं। तो मैं इनको इसका हल, ये इनका हल मैं हल्का सा पम्प कर लेती होती हूँ जो मुझे अच्छा लगे। तो ये जो है वो इनके पापा के, तो आप दोनों परफ्यूम्स को देख लें कि दोनों कितने हैं, बड़े बड़े परफ्यूम्स हैं और सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा हमें जो है ना, मेरे ख्याल से या तो हम किसी को गिफ्ट दें ना, और दें तो अच्छा दें, क्योंकि जब हम किसी को ऐसे ही कहते हैं ना, मगरों लाना पंजाबी में, जान छुड़ाना मतलब, तो वो अगले बंदे को भी, अगला भी कोई पागल नहीं होता है कि वो जो है वो समझ ना पाए। तो हमेशा अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। और ये व्लॉग था आज का, कैसा लगा लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।